नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में संकट आने वाला है, क्योंकि प्रदेश भर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सभी डॉक्टर्स ने 27 दिसंबर से ओपीडी बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर्स से क्यों कर रहे हैं। दरअसल चिकित्सकों की चार मांगे हैं, जिन्हें सरकार से मनवाने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। पहली मांग, डॉक्टर्स के लिए एक विशेषज्ञ कैडर का गठन करना। दूसरी मांग, एसएमओ सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए। और तीसरी मांग, पीजी के लिए बॉन्ड राशि 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख की जाए। वहीं चौथी और अंतिम मांग, एसीपी जल्द से जल्द लागू की जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी सभी चिकित्सक 2 घंटे की हड़ताल करके अपनी नाराजगी जता चुके हैं, और साथ ही डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले 29 दिसंबर से इमरजेंसी ओपीडी भी बंद करने की चेतावनी दी गई है। और अगर डॉक्टर्स ने ये किया तो डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से मुसीबत में पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण लगातार सड़क हादसे और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इस बीच सभी डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना वो भी अनिश्चितकालीन के लिए पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनका तारीफ आपसे करवा दूं। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश वत्स जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप केसरी जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राहुल भार्गव जी आपसे है, जिस तरीके से एक तरफ भगवान का रूप कहा जाता है डॉक्टर्स को, और अपनी मांगों के लिए इस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना, आपको नहीं लगता कि जो मरीज है उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय है? क्या बातचीत से मामला नहीं सुलझ सकता? सबसे पहली बात, धन्यवाद मुझे अपने शो पे रखने के लिए, और मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि वो कोई राजनीति में पड़े या वो किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करे। उसका काम टेबल के दूसरी तरफ बैठ के गरीब मरीजों का इलाज करना है। ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं, मैं पूरी निर्भरता से बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ कि हरियाणा का एक भी डॉक्टर स्ट्राइक नहीं चाहता। पर वो स्ट्राइक क्यों हो रही है? पिछले 6 महीनों से वो किन बातों पे लड़ रहे हैं सरकार को आकर्षक करने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए, कि सरकार उनकी बात सुन ले। अब सरकार जो बच्चों की तरह इनको मानती है डॉक्टरों को, क्या उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने के योग्य नहीं है? वो मांग क्या रहे हैं? क्या वो अपना वेतन बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या वो ये चाह रहे हैं कि उनकी कम कर दिया जाए, मरीज कम कर दिया जाए? क्या ये वो ये कह रहे हैं कि वो सेवा देना नहीं चाहते? आप ये देखिए, जहां पे 4 डॉक्टर होने चाहिए वहां पे एक डॉक्टर के सहारे काम चलाया जा रहा है। दिन रात 150 से 200 मरीज एक डॉक्टर देखता है, क्या हमें वो नहीं दिखता? और मांग क्या है? डॉक्टर के लिए एक विशेष कैडर का गठन। सिंपल क्या बात है कि मैंने एमबीबीएस किया, एमडी किया, डीएम किया, उसके बाद एक विशेषज्ञ गठन हो, कैडर का गठन हो, जिसका अपना कर्तव्य हो, जिस प्रकार से वो अस्पताल में रह के उच्च शिक्षाएं दे पाए और साथ में उच्च स्तरीय सेवाएं दे पाए लोगों को। उनको प्राइमरी कैडर की जरूरत नहीं है, प्राइमरी कैडर की जरूरत थी। प्राइमरी कैडर के साथ अब विशेषज्ञ भी बहुत सारे हेल्थ में जुड़ रहे हैं। उसके बाद इशू क्या था? बहुत सारे लोग जो डायरेक्टली एसएमओ बनते थे उनका रोक लगाई जाए। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, पिछले 3 डीजी जो हरियाणा में थे वो कौन थे? अगर आप इसका बयान स्पष्ट कर दें तो क्या जिसका कोई परिवार में आईएएस नहीं है, मंत्री नहीं है, क्या वो एसएमओ नहीं बन सकता? क्या वो अपनी 15 साल की नौकरी के बाद आगे बढ़ना विश्वास नहीं रख सकता? क्या सरकार ऐसा भेदभाव करेगी उन लोगों के साथ जो गरीब है, जो किसी का तबका नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूछने वाली बात है। तीसरा, जो बॉन्ड की राशि है, 1 करोड़ रुपए बॉन्ड की राशि 50 लाख में की जाए, इसमें क्या गुनाह है? आप मुझे बताइए, कौन सा कैडर, क्या आईएएस नौकरी छोड़ता है तो उसके पास कोई कैडर का जो बॉन्ड होता है?
क्या कोई पॉलिटिशियन छोड़ता है या इंजीनियरिंग कॉलेज से छोड़ता है, अस्पताल छोड़ के जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के जाता है, देश विदेश जाता है, क्या वो बॉन्ड रखता है? ये सारी बर्बरता डॉक्टरों पे ही क्यों, जो कि सबका सबसे आगे है? क्या कौन सा इंजीनियर दिन रात सेवा दे रहा है सरकारी अस्पतालों में, बताइए आप मुझको, आप बताइए इस बात को। मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ इस बात को कि आपके समक्ष लोग खड़े हैं, भगवान मान के हर बार उनको कहते हैं ये भगवान है, तो क्या भगवान को भूख प्यास नहीं लगती? क्या भगवान के घर में बच्चे नहीं है जिनका पालन पोषण करना है? क्या उनकी अपेक्षाएं नहीं है? क्या उनकी इच्छाएं नहीं है आगे बढ़ने की? ठीक है, सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर 6 महीने से अपनी बातों को मांग रहे हैं, बैठ कर रहे हैं, कभी एक दिन बाहर नहीं गए, कभी धरना प्रताप नहीं किया। आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, राज्यसभा। ठीक है भार्गव जी, आपके सवालों का जवाब मैं लूंगी। ठीक है भार्गव जी, आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। शास्त्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से डॉक्टर अपनी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की, और वो कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार हम अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर जो डॉक्टर्स है वो हड़ताल पर चले जाते हैं तो सरकार किस तरीके से तैयार है, या बातचीत की पहल क्या सरकार नहीं करना चाहती? फोन कर रहे हैं, इसके बारे में मैं अभी इतना डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि वो बात रही है, एक बात। दूसरी बात, जो हड़ताल की बात कर रहे हैं और डॉक्टर्स अपनी तुलना इंजीनियर्स, कॉलेज लेक्चरर्स और बाकी से तुलना कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए उनके प्रोफेशन में और आपके प्रोफेशन में अंतर क्या है। और आपने जिस समय इस व्यवसाय को चुना उस समय आपकी प्राथमिकताएं क्या रही होगी, और आज से जो आधुनिक काल के डॉक्टर्स हैं उनके पहले जो भी देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखते थे, चाहे वो हल्की थी, ज्यादा थी, कैसी थी, एक लंबा विषय हो जाएगा, उस तरफ में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तो केवल इतना करने पाऊंगा कि आपकी वेतन संबंधित कोई समस्या नहीं है, पोस्टिंग संबंधी कोई समस्या नहीं है। आपने समस्या बताया कि हमारी स्पेशलाइजेशन के लिए स्पेशल विंग की बात है, सरकार ने ज्योति जी मेरी नोटिस में उसका गठन किया है, लेकिन इनकी कुछ आपत्तियां हैं उसके ऊपर कि उसका जो विशेषज्ञ जो कैडर बने उसमें कैसे एंट्री हो, किसको माना जाए, किसकी सीनियरिटी हो, किसकी नहीं हो, इस पर इशू है। ये इशू नहीं है कि बना नहीं, वो लागू होने से पहले इनकी आपस की कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर अभी डिस्कस चल रहा है, और पेपर है, लागू नहीं हुआ। सब पक्षों को, केवल एक पक्ष को सुना जाए, ये मुझे नहीं लगता कि किसी व्यवस्था के लिए ठीक होगा। जो डायरेक्ट आने वाले हैं उनके लिए भी है, जो सरकार के तंत्र के माध्यम से जाते हैं उनके लिए भी है, तो एक सर्वमान्य बातचीत होगी तब इसके ऊपर कोई फैसला होगा। लेकिन हाँ, प्राथमिक तौर के ऊपर विशेषज्ञ कैडर बनना चाहिए, सरकार ने माना और उसका गठन कर दिया, उसका स्थिति कर दी। तीसरी बात है कि आप भगवान हैं या आपको भगवान का दर्जा दिया जाता है तो उसको भूख प्यास, देखिए हर कोई वर्ग जो देश में देश के लोगों के लिए काम करते हैं और सब परस्पर पूरक है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो ये कह दे कि मेरे बिना कुछ नहीं है, हर किसी का हर किसी के साथ उसका संबंध है, इसीलिए देश है, इसीलिए समाज है, और कोई अपनी महत्वपूर्णता या कोई अपने आप को हल्का माने तो ये उनका विवेक हो सकता, व्यवस्थाएं और आवश्यकता इस बात का द्योतक नहीं है कि कोई व्यक्ति नीचे है उसकी आवश्यकता नहीं है, और कोई इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए यह सरकार के, ठीक है भार्गव जी आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, आप भी बिल्कुल अपनी बातें पूरी तरीके से रख पाएंगे, लेकिन शास्त्री जी आपसे कहना चाहूंगी, आपके पास वापस लौट के आऊंगी। अंश वत्स जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ बने हुए, उनसे पहले मैं एक सवाल ले लूं। वत्स जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं अनिश्चितकालीन, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको अपनी भूमिका देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि वो किस जगह पर है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, तो आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मेरा नमस्कार, जो मेरे पैनल है उनको मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा आपने खुद ने कहा कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं,
अगर धरती पर अगर कोई किसी मनुष्य को अगर जीवन दान देता है तो वो डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे देश में और इस समाज में। और आपने जैसे अपने खुद की स्टार्टिंग में आपने बात रखी कि किस प्रकार से ठंड का मौसम है, किस प्रकार से सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से जो डेथ के केसेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस बीच पे अगर ओपीडी बंद रहेगी, इमरजेंसी के जो जो ऑपरेशन है वो नहीं हो पाएंगे, डॉक्टर्स वहां पे अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो सब दिखे कि किस प्रकार से पेशेंट्स जो रहेंगे उनको किस प्रकार से समस्या होने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सरकार को सबसे पहले उन डॉक्टर्स की मांगों को पूरा करना चाहिए या फिर उस पर समाधान लाना चाहिए जिस ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको राहत मिल सके। और आप देखेंगे अगर ये जो पूरा मसला अगर आप इसमें थोड़ा हिस्ट्री में आप जाएंगे तो उनकी मांगे क्या थी, उनकी मांगे ये है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको 60 पेशेंट्स जो होते हैं वो एक दिन के अंदर उनको करने चाहिए ट्रीटमेंट उनका। लेकिन असलियत क्या हो रहा है कि उन्हें तकरीबन 200 पेशेंट्स का उनको स्पेशलाइज डॉक्टर जो है उनको करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या है कि ना तो उनको इतना ज्यादा प्रमोशन मिल पाता है, ना तो उनको इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही, इतनी ज्यादा हार्डवर्क करना, ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात भी आ रही है कि यहाँ पे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा यहाँ पर डॉक्टर्स का यहाँ पे गठन किया जाए, डॉक्टर्स आए ताकि कहीं ना कहीं ये जो समस्या है कहीं ना कहीं इसको भी दूर किया जाए। डॉक्टर्स की एक और मांग रही है कि जो उनका प्रमोशन है कहीं ना कहीं वो मेडिकल ऑफिसर्स तक रह जाता है या फिर ज्यादा से ज्यादा वहां तक, तो उनके प्रमोशन को भी आगे लेके जाना चाहिए। और ये जो मांगे कहीं ना कहीं ये अभी रिसेंट मांगे नहीं है, ये मांगों को लेकर पहले भी उन्होंने धरना दिया था मई के महीने में। ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं वश जी कि सरकार को भी मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, साथ ही डॉक्टर्स को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अमनदीप केसरी जी भी हमारे साथ बने हुए, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से एक तरफ डॉक्टर्स अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ सरकार का बयान है, दोनों आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? जी ज्योति जी, देखिए डॉक्टर राहुल भार्गव जी ने बड़े विस्तार से आपको जो समस्याएं आ रही हैं इस मुद्दे के ऊपर बड़े विस्तार से बड़े गंभीर तरीके से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना है और डॉक्टर्स नहीं चाहते, वो फिर भी अपनी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार को बार बार मौका देने के बावजूद ऐसे हालात सरकार पैदा कर रही है कि उनको मजबूरन ये कदम उठाना पड़े। और ज्योति जी, ये कोई एक वर्ग की बात नहीं है, ये पहला कोई कर्मचारी वर्ग नहीं है, लेकिन हद तो ये हो गई कि आपातकालीन सेवाओं वाले जो कर्मचारी हैं उनको जो है गरीब जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये भी डॉक्टर्स भी समझते हैं। और आप सरकार की गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि मंत्री महोदय जो है, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, वो जो स्वास्थ्य विभाग का कामकाज ही नहीं देख रहे थे, उनकी क्योंकि अपनी केवल अपनी जो उनकी ईगो है वो किसी अफसर के साथ भिड़ गई थी, इस वजह से वो बिल्कुल कामकाज ही नहीं देख रहे थे। और ये समस्याएं ज्योति जी एक बड़े अगर हम बड़े रूप में बड़े पद उस पर देखें स्तर के ऊपर तो ये क्यों आ रही हैं, ये समस्याएं इसलिए आ रही हैं कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, सरकार की प्राथमिकताएं लोगों को सुख सुविधाएं नहीं देना, एक सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, अपना बखान करना, अपनी चुनाव की तैयारी करना और अपने जो है अगले एजेंडे को आगे रखना। सरकार की जो प्राथमिकता, सरकार का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है, अपनी जो सरकार की जो भूमिकाएं हैं उसको वो नहीं निभा रही है, अन्य मुद्दों पर ध्यान दे रही है, चुनाव पर ध्यान दे रही है। ठीक है, आपकी बात रखी जाएगी अमनदीप जी, आपकी बात रखी जाएगी, लेकिन भार्गव जी से मेरा एक सवाल है। ठीक है अमनदीप जी, आऊंगे आपके पास लौट करके। भार्गव जी से मेरा एक सवाल है, भार्गव जी जिस तरीके से सरकार का आपने बयान सुना, उनका कहना है कि जो डॉक्टर्स है वो अपनी तुलना खासकर अन्य पेशे वालों से ना करें क्योंकि आपकी भूमिका कहीं ना कहीं अलग होती है। और दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि जिस SMO सीधी भर्ती पर रोक लगाने की आप मांग कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि किस तरीके से भर्ती की जाए? देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, हम किसी से अपने आप को कंपैरिजन नहीं रखते, हमें जिस दिन हम डॉक्टर बने अपना दायित्व पता है, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कोई भी पॉलिटिकल क्लास आए, हमें मरीजों की मदद करनी है, उनकी सेवा करनी है, ये हमारा परम धर्म है। मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये कह रहा हूं सरकार की ऐसी मांगे हैं जिसे सरकार 2 घंटे में बैठ के खत्म कर सकती है क्योंकि ये 6 महीने से मांगे चल रही है। आप डॉक्टर की बेचारी बात देखिए, कभी वो पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी काला कपड़ा पहन रहे हैं, कभी काले कपड़े पहन रहे हैं, कभी काले बैचेस पहन रहे हैं, वो ये क्यों कर रहे हैं?
आपने कभी सोचा डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हमें स्ट्राइक नहीं चाहिए, मेरा काम पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा काम टीवी पे बोलना नहीं है, मेरा काम है मरीज को ठीक करना, मेरे को खुशी उस समय मिलती है क्योंकि ये मेरा काम है, हर मरीज की दुख दर्द को खत्म करना ये मेरा काम है। मैं हाथ जोड़ के शास्त्री जी से कहूंगा, शास्त्री जी आप जाके अपने आकाओं को कहिए कि ये समस्याएं दो घंटे में सुलझ सकती है, आपके पास सबका है, आईएएस अधिकारी है, डीजीएचएस है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसे फाइनेंशियल लोड आपके पास पड़ रहा हो। हम जानते हैं कि परेशानियां हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो सीधे प्रमोशन लेते हैं उसमें सबकी भागीदारी एक जैसी हो, जो आरएमओ बेचारा एमबीबीएस करके जिसने अपनी सेवाएं दी सरकार, सरकार उसको भी देखे, ना कि सिर्फ उनको देखे जो डायरेक्टली भर्ती होके आईएएस या पॉलिटिशियन के रिश्तेदारी में सीधे प्रमोशन ले ले। इसमें क्या गलती है शास्त्री जी, प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विकास के साथ सबके भागीदारी सबकी जिम्मेदारी। तो आदमी जो बेचारा अपने कर्म से अस्पतालों की चर्चा कर रहा है, सेवा दे रहा है, वो अपना हक मांग रहा है शास्त्री जी, उसके हक को सुनिए, बातों की गोलमोल में मत डालिए कि हम मरीजों की सेवा नहीं करना चाहते। आप डॉक्टर खड़ा है सर्दी में, आप भले ही फिर भी रहेंगे आप पार्लियामेंट में, पर वो बंदा खड़ा है रात दिन अपनी सेवा कर रहा है क्योंकि उसने चूज किया है। मैं किसी से कंपेयर नहीं करता शास्त्री जी, पर 1 करोड़ रुपया वो डॉक्टर कहाँ से लाएगा, आप ये तो सोचिए कौन उसका बॉन्ड साइन करेगा शास्त्री जी। ठीक है, ठीक है भार्गव जी, आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ शास्त्री जी। शास्त्री जी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मात्र 2 घंटे का समय, 2 घंटे में ये सारी समस्याएं सुलझ सकती है, लेकिन सरकार 2 घंटा नहीं देना चाहती है। देखिए ज्योति जी, ये स्वीकार करें कि हमारा कर्तव्य ये चलाती है, ये अपने बहस के साथ एक बात को जैसे आपके नाम आ गई, ये डॉक्टर जो अपने आप का कंपेरिजन बाकी से कर रहे थे उन्होंने इस बात को माना कि बाकी से हमारा कोई कंपेरिजन नहीं, और बाकी से कंपेरिजन नहीं है तो ये भी तय है कि हड़ताल नहीं, हड़ताल करना तो अपना कंपेरिजन भी अपनी तुलना बाकी के साथ करना। और आपने इन्होंने भी बताया और मैं भी रिपीट कर सकता हूँ जिन 4 बातों की बात में है, तो अरे धीरे रुको यार, इसकी जल्दबाजी क्या हो रही है, सुन ही नहीं रहे तो किसको सुनाएंगे, सुन वो तो बोल रहे, सुन रहे हैं आपकी बात शास्त्री जी, कहिए। तो ऐसी कौन सी है, कोई ऐसी, ये तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आई हुई है, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा समय दे दिया जाए बोलते के इनका प्रश्न। ठीक है भार्गव जी अपनी बात कहिए, भार्गव जी का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए उनके माइक का। आज शास्त्री जी मेरा उन मरीजों के लिए दर्द है जो आप नहीं समझ पा रहे, आप मेरी फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, पब्लिक जो देख रही है उनसे कह रहा हूँ मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मुझे काम नहीं किए देने जा रहा, मुझे अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार बढ़ने नहीं दिया जा रहा, क्या करे पब्लिक बताइए, पब्लिक को डिसाइड करने दिया जाए कि मैं सही हूँ कि आप सही है। शास्त्री जी आप लोग मैदान में आइए, अपनी बात रखिए और चुनाव होगा तो आपकी बात को मानकर आगे चलेंगे, यही पब्लिक कहना चाहते हैं ना, तो फिर सुनिए ना, फिर आप इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहे हो, आप इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हो, इसमें ऐसे ऐसे लोग काम भी क्या करते होंगे जिनके अंदर धैर्य नहीं है सुनने का, वो काम भी क्या करते होंगे। अमनदीप जी आपको भी समझ दिया जाएगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी। शास्त्री जी पहले जल्दी से जवाब पूरा कर लें, जल्दी जवाब किसको दे, आपको देता तो आप सुन लीजिए आएगा। देखिए भार्गव जी आपके पास मैं लौट करके आऊंगी, आपको भी समय दिया जाएगा, लेकिन एक बार शास्त्री जी अपना जवाब दे दे उसके बाद से फिर आपका जवाब देंगे। कैसे वो कह रहे हैं अहंकार भरी बातें कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में चले जाइए, मेरा काम पार्लियामेंट में नहीं है, आप अस्पताल आ जाइए, अरे तो धैर्य रखे ना आप इतना क्यों अग्रेसिव हो रहे हैं, आपके अलावा कुछ रहे नहीं आदमी, क्योंकि हम परेशान है, ऐसा मरीज इलाज करना चाहता है। अरे हमें पता है भाई, आप मरीजों को ठीक करते हैं तो हमने स्वीकार किया है ना, मरीज भी स्वीकार करते हैं कि आप उनको ठीक करते हैं, और उसके अवैध में भारत सरकार या हरियाणा सरकार एक मोटी रकम देती है आपको, हम मोटी सुविधाएं देती है आपको।
शर्म है। आदरणीय मोदी जी के सामने नमन है। आदरणीय मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी रकम बोली जा रही है, मोटी रकम देते हैं। अच्छा देखिए सर, लगता है कि अब मेरा जीना दुर्बल है, मैं अपने दैनिक जीवन की व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। उसका मतलब होता है हड़ताल, लेकिन ऐसी कोई मांग भी नहीं है और ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं है जिसके कारण से तुरंत इमरजेंसी पर बैठा जाए। शास्त्री जी ठीक है, शास्त्री जी ठीक है, आपने अपना जवाब दिया। भार्गव जी आपके पास भी लौट के आऊंगे, लेकिन उससे पहले अमनदीप जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अमनदीप जी अपना जवाब कहिए। ज्योति जी बड़े ही शर्म की बात है, आपने जो शब्द सुने, शास्त्री जी को माफी मांगनी चाहिए जिसने गैर संस ने बुलाया है। मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये इसी विषय को रखने के लिए या उसको समझाने में बिल्कुल नाकाम है। खालिस्तानी आतंकवादी है, पहलवानों ने धरना दिया तब इन्होंने कहा कि वो पहलवान नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए भाई। डॉक्टर साहब को आप कह रहे फ्रस्ट्रेटेड, आपको यही तो नहीं दिखता क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, कुछ जनता त्रस्त है, केवल अपने एजेंडे चलाने से मतलब है। जिन लोगों ने आज तक सत्ता का केवल अपना दुरुपयोग किया है वो कैसे जनता की समस्याएं समझेंगे। ये इनका जो आप ज्योति जी देखना कड़े संज्ञान आपको लेना चाहिए। इस प्रकार का बयान शास्त्री जी दे रहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं शास्त्री जी को माफी मांगना चाहिए, लेकिन उससे पहले वत्सी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमनदीप जी वत्सी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की ठीक है वत्सी किस प्रकार से, और जैसे अमनदीप भाई ने भी बात रखी है कि किस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता ने अपने अहंकार से भरी बात रखी है कि किस प्रकार से उनकी जो मेहनत होती है, हमको तो ये कहेंगे कि जो हमारा जो जवान है वो देश की सरहद पे जो शहीद होता है वो उसको शहीद होने के लिए उसको मोटी रकम मिलती है, उसके बाद जब वो शहीद हो जाता है उसके बाद उनको मोटी रकम मिलती है। क्या भाजपा के प्रवक्ता ये बात भी कहेंगे, क्या भाजपा के प्रवक्ता ये बात भी कहेंगे कि जो इस देश की पहलवान बेटियां, जो पहलवान जो है, जो इस देश का नाम रोशन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसकी उनको मोटी रकम मिलती है? ये इनको अपने अहंकार से भरी बातें हैं जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया, हर वर्ग का उन्होंने अपमान किया है, ये बात सिर्फ डॉक्टर के वर्ग की बात नहीं है, हर वर्ग की आज उन्होंने पिटाई करी है। हर वर्ग के साथ उन्होंने, चाहे वो बात सरपंच की, किस प्रकार से सरपंचों के ऊपर उन्होंने लाठियां चलवाई है, किस प्रकार से उन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां चलवाई है, किस प्रकार से 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, और किस प्रकार से उन्होंने हर प्रकार की बातें कही है। आतंकवादी पाकिस्तान चले जाइए, आप होते कौन ये कहने वाले कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, भारत में रहना चाहिए, खालिस्तान। डिबेट पे जाऊंगी, 15 सेकंड मात्र है आपके पास। तो ये आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता में खूब भर भर के अहंकार है। शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी, 15 सेकंड है, फाइनल कमेंट चाहूंगी पूरी डिबेट पे। देखिए ज्योति जी, मेरे नोटिस में विषय है कि माननीय मंत्री जी के साथ बातचीत हो रही है मीडिएटर्स के माध्यम से, और कल तक किसका रिजल्ट आएगा, और मैं सम्मानित डॉक्टरों से आग्रह भी करूंगा, वो बहुत बड़ी संख्या ऐसे डॉक्टरों की है जो इस पक्ष में है भी नहीं कि ऐसे कठिन समय में हड़ताल की जाए, और वो भी केवल अपनी चंद बातों के लिए, जितने लोगों को संकट में भी डालेंगे, तो मुझे विश्वास भी है और कल का हम सबके सामने प्रदर्शन और भी। ठीक है शास्त्री जी, भार्गव जी आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी पूरी डिबेट पे। पूरा इस सरकार पे विश्वास है कि वो अपने बच्चे की तरह डॉक्टरों की बातों को मांग को समझते हुए, उनकी परेशानियों को समझते हुए उनका हल ढूंढेगी और सुचारू रूप से मदद करेगी कि ताकि हम स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ चढ़ के गरीब मरीजों का इलाज कर पाए, ऐसा हमारा विश्वास है। मेरा पूरा विश्वास है कि शास्त्री जी आज जो भी बात हुई, हम आगे चल के मंत्री जी से बात करके इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालेंगे। ठीक है अमनदीप जी, फाइनल कमेंट, 15 सेकंड आपके पास। हैं कि जब अनाड़ियों के हाथ में सरकार चलाने को दी जाती है, जिन्होंने केवल धर्म का प्रचार किया, जब वो इस तरह के निर्णय लेने वाले पदों पर बैठ जाते हैं, जनता को बार बार धोखा देकर के, उन तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। और बहुत ही निंदनीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी मानसिकता दिखाई है, ये कोई पहली बार नहीं है, हर वर्ग के लिए इनकी यही मानसिकता है। अगर कोई अपना हक लेना चाहता है तो उनकी यही मानसिकता है, ये चाहते हैं कि यहाँ पर तानाशाही स्थापित हो जाए, ये देश तानाशाही के अंदर बदलना चाहे, और लोकतंत्र के तो शुरू से ही खिलाफ रहे हैं शास्त्री जी। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, तमाम सारे विषयों पर चर्चा के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी
तो एक तरफ जो डॉक्टर्स है वो हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। अब देखना ही ये होगा कि सरकार इन मांगों को लेकर कब तक एक्शन में